एक और बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद के पांचाल घाट से। बड़ी खबर, कांवड़ियों और दुकानदार के बीच मारपीट हो गई है। मुरादाबाद, चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से। आपको बताएं मुरादाबाद में से बड़ी खबर, लैक्मे एकेडमी की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्षंदर खान के पति शाहनवाज भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। छात्रों को धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दो दिन पहले बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था, लैक्मे एकेडमी का पुतला भी फूका था, दहन किया था। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर का असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षंदर खान और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आकाश, जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, दो दिन पूर्व जिस तरह से बजरंग दल ने पूरा प्रदर्शन करा था, उसके बाद में छात्राओं ने जो है रक्षंदर खान और उनके जो एकेडमी है उनके खिलाफ ये आरोप लगाए थे कि वो मुस्लिम धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, इस्लाम के लिए उनको सूझबूझ के लिए समझाते हैं और माइंड वॉश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद में पूरे मामले में SSP मुरादाबाद के निर्देश पर इसमें मुकदमा दर्ज करा गया था और अब इसमें जो है गिरफ्तारी कर ली गई है, रक्षंदर खान की और उनके पति की, दोनों की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो और पूरा मामला क्या था ये जरा आपको बताते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एकेडमी के अंदर ब्रेन वॉश का खेल, हिंदू लड़कियों से धर्मांतरण की बात, इस्लाम अपनाने की मिलती सलाह। मुरादाबाद में मेकअप जिहाद, शहर के नामी मेकअप इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामा बरपा। इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, इंस्टीट्यूट और उसके डायरेक्टर रक्षंदर खान का पुतला फूका। इसके बाद सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोप है कि लैक्मे एकेडमी में ट्रेनिंग दे रही हिंदू लड़कियों का यहाँ की डायरेक्टर रक्षंदर खान ब्रेन वॉश कर रही हैं। खुद इस्लाम धर्म अपनाने वाली रक्षंदर हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने पर जोर देती हैं। हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम धर्म की खूबियाँ क्या क्या है, आप उसके बारे में जानो, इस्लाम धर्म की क्या क्या खूबियाँ। छात्राओं को आरोप है कि रक्षंदर ने एकेडमी में ज्यादातर मुस्लिम लड़के रखे हैं, हिंदू लड़कियों को उनसे दोस्ती का दबाव डालती हैं, साथ ही हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी करने की सलाह देती हैं। कि अगर किसी मुस्लिम से तुम्हें शादी करनी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और घर वालों का क्या है, घर वालों को मैं मना लूंगी, सबके घर वाले मान जाते हैं। आज मैं भी हूँ, मैंने 19 साल की थी जब मैंने शादी करी थी। एकेडमी के छात्रों का आरोप है कि सिंदूर बिंदी कलावा को लेकर यहाँ आपत्ति जताई जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। एकेडमी में ब्रेन वॉश की खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता छात्रों के साथ सड़क पर आ गए, एकेडमी को सीज करने और डायरेक्टर रक्षंदर पर एक्शन लेने की मांग करने लगे। और प्रशासन को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी है कि जो यहाँ की संचालिका है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, मुकदमा लिखे। एकेडमी पर गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। केस से संबंधित तथ्यों के संबंध में जानकारी है, वो सारी जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी रक्षंदर खान पर ब्रेन वॉश के आरोप लग चुके हैं। एक बार फिर छात्र छात्राओं ने संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद बवाल बढ़ा है। आकाश शर्मा, मुरादाबाद, जी मीडिया।